दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। आदर्श जमा दो विद्यालय संग्राह की एनएसएस इकाई तथा जजुराना इको क्लब के छात्रों द्वारा शुक्रवार को मुखिया बाजार से 5 बोरे प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया गया। इस दौरान छात्रों द्वारा नालियों की सफाई भी की गई। इससे पूर्व एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण कुमार तथा इको क्लब प्रभारी ललिता चौहान के नेतृत्व में बच्चों ने स्कूल परिसर से बस अड्डा बाजार तक जागरूकता रैली भी निकाली। रैली के माध्यम से छात्रों ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश दिया। छात्रों तथा स्कूल के शिक्षकों द्वारा स्थानीय व्यापारियों से प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने पर भी अपील की गई। शिक्षकों ने बताया कि छात्रों द्वारा इकट्ठा किए गए प्लास्टिक से 5 बोरे एसडीएम कार्यालय में जमा करवाए जाएंगे। एनएसएस स्वयंसेवियों द्वारा तथा जुजुराना इको क्लब संग्राह की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश दिया गया और बच्चों ने 4 बोरियां जो है वो प्लास्टिक कचरे की, 1 बोरी और ले आए हैं बच्चे, 5 बोरियां प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया है और लोगों को भी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया है। और हमारे माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास को साफ रखें और जहां तक संभव हो सके प्लास्टिक कचरे का उपयोग ना करें। धन्यवाद। बच्चों ने स्कूल कैंपस सबसे पहले एक रैली निकाली, जिसमें यहाँ पर काली मिट्टी के जितने भी व्यापार मंडल वाले हैं उनको रैली के थ्रू जागरूक किया गया कि हमें जो है पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों ने और हम लोगों ने, एनएसएस इंचार्ज प्रवीण कुमार जी ने, निशा मैडम ने, हमने, ओमकार सर जी ने, हमने व्यापार मंडल से जितना भी पॉलीथिन था वो इकट्ठा किया और उन्हें ये बोला है कि आगे से आप लोगों ने पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि सर ने बताया है कि हम लोगों ने पूरे काली मिट्टी बाजार की नालियों की, गलियों की सारी सफाई करी, जितना भी प्लास्टिक था, जितनी भी पॉलीथिन से, वो सारे इकट्ठे करके हम लोगों ने 5 जो बोरियां हैं इकट्ठी करके हम ये सारी की सारी जो है वो एसडीएम ऑफिस में जमा करवाएंगे। और आगे से इनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यदि आप पॉलीथिन का इस्तेमाल करते हैं या प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को जो है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए संग्रह से जयप्रकाश की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स सोलन, पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का वो नाम जो आपके गहनों के साथ लेकर आता है बहुत सारे आकर्षक इनाम। भूषण ज्वेलर्स सोलन एक बार फिर से लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना। भूषण ज्वेलर्स में खरीदारी पर पहला इनाम 2.5 लाख के आभूषण, जबकि दो भाग्यशाली विजेताओं को दुबई टूर पर जाने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत मिलेंगे कुल 101 इनाम, जिनमें 3 एक्टिवा स्कूटर, 5 एलईडी टीवी 32 इंच, 5 वॉशिंग मशीन, 15 ट्रॉली बैग, 15 डिनर सेट, 15 इंडक्शन, 15 क्विल्ट सेट व 15 स्टीम प्रेस। भूषण ज्वेलर्स गुणवत्ता व बेहतरीन सर्विसेज की बदौलत ग्राहकों की पहली पसंद, साथ ही ग्राहकों को हो रहा अपनेपन का एहसास। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट। स्वर्ण समृद्धि 10 सितंबर से 14 दिसंबर तक। लाजवाब है भूषण के आभूषण। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता बताते हैं कि चाहे स्वर्ण आभूषण हो, हीरे या फिर चांदी के आभूषण, भूषण ज्वेलर्स में आकर्षक व आधुनिक डिजाइन का विस्तृत रेंज उपलब्ध है। यही कारण है कि बहुत कम समय में प्रदेश के नामी ज्वेलर्स में शुमार हो गए। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स।